दोस्तों, मैं हूं जवाद और आप देख रहे हैं कोरिवल स्पोर्ट्स। और आज मैं बेसिकली आपको बताना चाहूँगा कि हम किस तरह डिफरेंट वे से एक बैट की ग्रिप को हैंडल को ग्रिप कर सकते हैं, ठीक है, विद इन अ मिनट। दो तीन तरीके हैं। एक तो ट्रेडिशनल वे, जो कि आप कोन के ऊपर से इसको ट्रांसफर किया जाता है। नंबर सेकेंड, जो कि आपको मैं बताऊँगा कि विद इन अ सेकेंड, अभी मैंने एक सेकेंड लगता है, आप जैसे इस तरह करेंगे चढ़ जाएंगे, ठीक है। नंबर थर्ड है, वो भी आपको दिखाऊंगा, वन बाय वन आप देखेंगे और लेट्स सी कि आप कैसे करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो नंबर वन वे है, उसमें आपको चाहिए ग्रिप चाहिए, ठीक है, एक शॉपर चाहिए जो कि ऑप्शनल है, और नंबर थर्ड पे आपको चाहिए ये पेस्ट, जो कि इसको हम नॉर्मली पाकिस्तान में इसको मूसली कहा जाता है, जो कि आप छोटे होते, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरी एज के हैं, तो हम झंडियाँ बनाने के लिए, झंडियाँ जोड़ने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते थे। इसी को बेसिकली ये आटे की तरह होता है, ठीक है, वीट जो नॉर्मल फ्लोर आप इसको यूज़ करते हैं, आटा जिसको कहते हैं, रोटियां पकाने के लिए यूज़ होता है, उसी तरह की चीज़ है, एक पाउडर फॉर्म में होता है, इसको पानी में मिक्स करके ये चीज़ बना ली जाती है। ये मैंने ज़्यादा बनाई हुई है क्योंकि हमने ज़्यादा बैट्स पे लगानी थी, तो आपके सामने मैं अभी लगाऊंगा एक बैट पे और इसको देखेंगे कि एक मिनट में कैसे इसको चढ़ाया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो लेट्स स्टार्ट, पहले एक बैट को ये मोस्टली लगाएंगे और फिर आपके सामने चढ़ाऊँगा, देखते हैं कितनी जल्दी चढ़ती है। जी दोस्तों, ये अभी मेरे पास दो बैट्स हैं, फिर मैं आपको इस वाले तरीके से लगा के दिखाऊंगा। लेट्स सी कैसे लगाए जाते हैं ये, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि क्लियर आ जाए। सबसे पहले मैं ये शॉपर यूज़ करूँगा क्योंकि शॉपर से मेरे हाथ ज़रा गंदे होने से बच जाएंगे, इससे खैर गंदे नहीं होते, लेकिन ये है कि हाथ थोड़े से चिपचिप जाएंगे काफ़ी देर के लिए, ठीक है। इसको जैसे आपने शॉपर में लेना और इसको आपने ठीक तरह से इसको यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। ये टेप बॉल का बैट, सी बी ब्लैक मांबा, ठीक है, एक ये हो गया। और सेकेंड नंबर पे ये एक इंग्लिश विलो का बैट को लगा के देखते हैं। इंग्लिश विलो के भी सेम तरीके से ही रहती है, ठीक है, सेम वे होगा। इसको लग गया आराम से, इससे ये होगा कि जब ये जो इसको हम चढ़ा लेंगे तो ये इससे फिर मूव भी नहीं करेगी, इस तरह से ये पक्की लग जाती है इसके ऊपर। अब ये पहले हम चढ़ाएंगे इंग्लिश विलो के ऊपर, तो इसको आपने जस्ट फिक्स कर लेना है अपने टांगों के दरमियान में, और पीछे आपके भी हर्डल होनी चाहिए ताकि फिर मूव ना करें, ठीक है। जैसे इसको रखते हैं तो जस्ट आपने इसके ऊपर ला के इसको लगाना है, ये देखें ये चढ़ गई, ये देखें, यानी कि आपको किसी किस्म की कोई कोण की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको करके और फाइनली आपने इसको नीचे कर लाना है और ये आपकी ग्रिप चढ़ चुकी है। बाद में ये जो साइडों पे लगी हुई है आप इसको किसी टिश्यू से साफ कर लें या किसी चीज़ से, ठीक है, और आप इसको टेप बॉल के ऊपर चढ़ा के देखते हैं। ये भी आप टेप बॉल के लिए भी यही तरीका है, आप इसको आराम से इसको मूव करेंगे और ये देखें इतना ईजीली चढ़ती जा रही है। अब हम ट्राई करेंगे, दूसरा तरीका जिसमें शॉपर से इसको चढ़ाया जाता है, ठीक है। शॉपर से कैसे चढ़ाया, वो भी एक अच्छा तरीका है, लेट्स सी कैसे कैसे करें। इसके लिए चाहिए आपको एक शॉपर, कोई भी शॉपर हो सकता है, आप इसको शॉपर बोलें
और आपने जस्ट इसको इसके अंदर से डाल देना है, ठीक है। इसको आप फिर रोल करें, कोई भी शॉपर हो नॉर्मली जो ग्रोसरी के लिए आप यूज़ करते हैं उसको बस आपने इसके अंदर से गुजार देना है, ठीक है। इसके लिए बेहतर है कि आप कोई चीज़ यूज़ कर लें ताकि इसी भी ये अंदर को चला जाए। Thank you.